हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता मौर्य अपने चैनल बिगिन विद अनीता में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको गर्ल्स के लिए हेयरबैंड बनाना बता रही हूँ। चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले फाउंडेशन चेन बनाएंगे। इस तरीके से लूप बनाने के बाद हम 95 चेन्स बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसी तरीके से हम टोटल 95 चेन्स बना लेंगे। 95 चेन्स बनाने के बाद ये हमारी फाउंडेशन चेन रेडी हो गई है। ये कुछ इस तरह से दिखाई देगी। अब हम इस फाउंडेशन चेन को अपने स्टार्टिंग पॉइंट से इससे जोड़ेंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि इसको जोड़ते वक्त इस चेन में कोई बल ना हो, मतलब ये बीच से ट्विस्ट ना हो, मुड़े ना। अब इस स्टार्टिंग पॉइंट में हुक डालते हुए, लूप में डालते हुए हम एक स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरह से। एक बार हम फिर से क्रॉस चेक कर लेते हैं कि कोई बल तो नहीं है, कोई बीच में ट्विस्ट तो नहीं आया। हमने चेक कर लिया है इसमें कोई ट्विस्ट नहीं है बीच में। अब हम अपने पहले लूप में डबल क्रोशेट बनाएंगे। डबल क्रोशेट कैसे बनाया जाता है ध्यान दीजिएगा। पहले दो लूप में से निकाला, फिर लास्ट के दो लूप में से निकाला, इसको बोलते हैं डबल क्रोशेट। एक बार फिर देखिए, हमें हर चेन में डबल क्रोशेट बनाना है। अब नेक्स्ट में, अब इससे नेक्स्ट चेन में, इससे नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशेट। देखिए डबल क्रोशेट बनने के बाद इसका लुक कुछ इस तरह से आएगा। इसी तरह से हम हर चेन में डबल क्रोशेट बना लेंगे। और इस राउंड को फिनिश कैसे करना है वो मैं आपको लास्ट में बताती हूँ। एंड पर पहुँचने पर हम अपने स्टार्टिंग क्रोशेट के टॉप से इस तरीके से हुक डालते हुए एक स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरह से। देखिए हमारा पहला राउंड कंप्लीट हो गया है। ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। सेकेंड राउंड के लिए हम चेन टू बनाएंगे, 1 एंड 2। और फिर हम इस फर्स्ट क्रोशेट में इस तरह से हुक को डालेंगे, यान पुल करेंगे और डबल क्रोशेट बनाएंगे। इसे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट बोलते हैं। पहले हमने फ्रंट से हुक को डाला था क्रोशेट में, अब हम बैक से हुक को डालेंगे अगले क्रोशेट को इस तरीके से, और यान पुल करेंगे और डबल क्रोशेट बनाएंगे
इसे हम बैक पोस्ट डबल क्रोशेट बोलते हैं। एक बार फिर देखिए, हमने बैक पोस्ट बना लिया है, तो अब हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये फ्रंट पोस्ट बन गया और अब इस तरीके से हुक को डालते हुए ये हमारा बैक पोस्ट डबल क्रोशेट बन गया। इस तरीके से हम इस पूरे राउंड में एक बैक पोस्ट, एक फ्रंट पोस्ट बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। ध्यान से देखिएगा कैसे मैं बैक पोस्ट बना रही हूँ। ये फ्रंट पोस्ट, इसी तरीके से पूरे राउंड में बनाते हुए मैं इस सेकेंड राउंड को कंप्लीट करूं। ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा बनने के बाद। चलिए अब हम सेकेंड राउंड को फिनिश कर लेते हैं। सेकेंड राउंड के एंडिंग का क्रोशेट बनाने के बाद हम इसे कैसे फिनिश करते हैं ध्यान दीजिएगा। इस स्टार्टिंग के क्रोशेट के टॉप पे हुक डालते हुए यार्न पुल करेंगे। अब क्योंकि मुझे दूसरे कलर के यार्न से बनाना है, तो इसलिए मैं अब दूसरे कलर का यार्न लूँगी। अगर आपको यही कलर कंटिन्यू करना है तो आप इसी से स्लिप स्टिच बनाएं, पर क्योंकि मैं दूसरा कलर लगाना चाहती हूँ, दूसरे कलर के यार्न से इस तरीके से स्लिप स्टिच बनाऊँगी। इस तरीके से स्लिप स्टिच बनाने के बाद मैं चेन टू बनाऊँगी, वन एंड टू। एक और बात फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, आप कोई सी भी चीज़ बनाएं, कुछ भी बना रहे हो, जब भी आपको कलर बदलना हो तो आप हमेशा स्लिप स्टिच को उस कलर से बनाएं और चेंज करें, जैसे इसमें मैंने किया है। ये हमारा फ्रंट पोस्ट है। फ्रंट पोस्ट पे मैं फ्रंट पोस्ट ही बनाऊंगी और बैक पोस्ट रो पे बैक पोस्ट बनाऊंगी। ये देखिए, ये फ्रंट पोस्ट की लाइन जा रही है, ये बैक पोस्ट की लाइन जा रही है, सॉरी, ये दोनों फ्रंट पोस्ट की लाइन है और उसके बीच में बैक पोस्ट की लाइन है। इस तरीके से हम इस राउंड को भी बैक और फ्रंट पोस्ट बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। अब हम इस राउंड को फिनिश करने के लिए टॉप से स्लिप स्टिच बनाएंगे, पर क्योंकि मुझे स्लिप्स पिंक कलर ही आगे वाले राउंड्स में यूज़ करना है, इसलिए मैं स्लिप स्टिच पिंक कलर के ऊन से बनाऊंगी इस तरह से, और फिर से चेन टू
और आगे के दो राउंड बेबी पिंक कलर से मैं इसी तरीके से बैक स्टिच और फ्रंट स्टिच बनाते हुए कंप्लीट करूंगी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने दो राउंड बेबी पिंक कलर के बना लिए हैं और टोटल राउंड हमारे यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 राउंड हो चुके हैं। ये हमारा हेयरबैंड फिनिश हो गया है। अब हम इसको यार्न को कट करके इस तरीके से पुल कर लेंगे और सुई में धागा इस यार्न को डालकर इस तरीके से बैक साइड में इसको फंसाते हुए बांध देंगे। और फिर इसको कट कर लेते हैं। इसी तरीके से हम दूसरे धागे को भी अपने फर्स्ट स्टार्टिंग यार्न को भी सुई में डालकर फंसाते हुए कट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हेयर बैंड रेडी हो गया है। इस पर मैंने 5 पेटल फ्लावर अटैच किया है। इस फ्लावर की को कैसे क्रोशेट किया है, मैंने कैसे बनाया है, इसके लिए मेरा ट्यूटोरियल नंबर 1 देखें। देखिए फ्लावर लगाने के बाद ये और भी प्रिटी लगने लगा है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। Thank you.